हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। राइट, अभी तक हमने लास्ट टाइम एनालाइज कर लिया था जीएस पेपर वन का। हमने लास्ट टाइम जीएस पेपर वन 2020 का ज्योग्राफी सेक्शन एनालाइज कर लिया था। राइट, हमने ज्योग्राफी सेक्शन एनालाइज कर लिया था। अब हम एनालाइज करेंगे इंडियन सोसाइटी या सोशल इश्यूज सेक्शन। राइट, इसमें 75 मार्क्स, 6 क्वेश्चन आए हैं 75 मार्क्स के, 3 10 मार्कर और 3 15 मार्कर। राइट, लेट सी दी क्वेश्चंस। ओके, पहला क्वेश्चन, यू नो, फर्स्ट क्वेश्चन, हैज कास्ट सिस्टम और हैज कास्ट लॉस्ट इट्स रेलेवेंस इन अंडरस्टैंडिंग दी मल्टी कल्चरल इंडियन सोसाइटी। ओके, बड़ा ही यू नो डाइसी सा क्वेश्चन है। राइट, फर्स्ट इज द क्वेश्चन को समझना ही मुश्किल है। सेकेंड, यू हैव टू इलेबरेट विथ इलस्ट्रेशंस, यू हैव टू गिव इलस्ट्रेशंस। ओके, दैट इज एग्जाम्पल्स, यू नो, एग्जाम्पल को डिटेल में करते हुए बताना है आपको कि वेदर है, यू नो, जो भी आप आंसर देते हैं येस और नो, यू हैव टू टेल यूजिंग यूजिंग दी यूजिंग एन एग्जाम्पल। सो इट आस्क, हैज कास्ट लॉस्ट इट्स रेलिवेंस इन अंडरस्टैंडिंग दी मल्टी कल्चरल इंडियन सोसाइटी। सो इंडियन की मल्टी कल्चरल सोसाइटी में कास्ट का रेलिवेंस खत्म हो गया है क्या, ये पूछता है। ओके, सो यू नो, फर्स्ट यू विल टेल अबाउट द मल्टी कल्चरल नेचर ऑफ आवर सोसाइटी, की कितना डाइवर्स कल्चर है। यू नो, देर आर बंगालीज, देर बंगालीज, उनका अलग कल्चर कस्टम रहता है। देर आर गुजरातीज, ओके, यू नो, एंड देन देर आर, यू नो, दे आर पीपल फ्रॉम नॉर्थ इंडिया, उनका अलग कल्चर रहता है। सो दिस इज हाउ यू विल टेल द मल्टी कल्चरल नेचर, की डिफरेंट लैंग्वेज है, डिफरेंट रिलीजन है, लैंग्वेज डिफरेंट है, रिलीजन डिफरेंट है। राइट, सो दिस इज हाउ। बट नाउ यू कम टू द मेन पार्ट। यू नो, यू कुड से दैट टू सम एक्सटेंट द मल्टी कल्चरल इंडियन सोसाइटी, इन मल्टी कल्चरल इंडियन सोसाइटी टू सम एक्सटेंट इट हैज डायल्यूटेड। क्यों? अर्बनाइजेशन का एग्जाम्पल दीजिए। अर्बनाइजेशन के कारण क्या हुआ है? वेस्टर्न कल्चर आया है। ओके, वेस्टर्न कल्चर, राइट, ये सब अगेन काफी स्टैटिक चीज है, जो आप अगर पढ़ोगे लाइक 12th की सोशियोलॉजी की बुक, वो एनसीआरटी में, वो आपको वहां मिल जाएगा, 12th की सोशियोलॉजी के एनसीआरटी में। राइट, सो वेस्टर्न कल्चर आया है, तो वेस्टर्न कल्चर हैज अंडरमाइंड, ओके, हैज अंडरमाइंड टू सम एक्सटेंट। राइट, आज की दिन में, यू नो, इफ यू सी टू लाइक सिग्निफिकेंटली कास्ट फैक्टर अर्बन एरियाज में अंडरमाइन हो गया है बिकॉज ऑफ वेस्टर्न कल्चर। ओके, वेस्टर्न कल्चर डेफिनेटली टॉक्स अबाउट इक्वालिटी, और वेस्टर्न कल्चर, वेस्टर्न, और यू कैन से मॉडर्न, बेटर वर्ड वुड बी मॉडर्न कल्चर। ओके, मॉडर्न कल्चर, राइट, सो अगेन इट इज बेस्ड ऑन रीजन, रैशनैलिटी। राइट, इसमें काफी हमारा लाइक यू नो ड्यूरिंग आवर फ्रीडम स्ट्रगल और ड्यूरिंग प्री इंडिपेंडेंस एरा, काफी लोगों ने इस पर वर्क किया था। इनफैक्ट आज के डेट में आप बोलोगे एक कल्चर होता है कॉस्मोपॉलिटन कल्चर, कॉस्मोपॉलिटन। ओके, इट बेसिकली बिलीव इन लाइक मिक्सचर ऑफ वेरियस, यू नो, डिफरेंट पीपल फ्रॉम डिफरेंट कल्चरल एस्पेक्ट्स। राइट, और लाइक आज के डेट में आप देखोगे तो यू नो से अर्बन एरियाज में इन हायर इनकम ग्रुप्स और उस जगह पे कास्ट डिस्क्रिमिनेशन इतना नहीं प्रिवेल करता है। ओके, इवन पीपल आर, इवन यू नो दे आर एजुकेटेड एंड दे आर सेंसिटिव टू दीज इश्यूज, बट हैज इट बीन टोटली यू नो लॉस्ट इट्स रेलेवेंस? नो, इट इज स्टिल एग्जिस्ट। यू कुड सी ऑनर किलिंग, एक तो रूरल एरियाज में तो सिग्निफिकेंटली एग्जिस्ट करता है। राइट, ऑनर किलिंग्स जो होती हैं, जो इंटरकास्ट मैरिज पे ऑनर किलिंग्स होती हैं, या यू नो अभी देखते हो कि आप पॉलिटिक्स में भी डिमांड फॉर कास्ट बेस्ड रिजर्वेशन इन पॉलिटिक्स। सो जैसे लाइक अभी रिसेंटली राजस्थान में यू नो गुर्जर आंदोलन हुआ था फॉर रिजर्वेशन। ओके, सो यू कैन लाइक, दीज आर ओनली टू एग्जाम्पल्स, यू कैन यू नो थिंक अबाउट मोर सच एग्जाम्पल्स। लाइक यू नो अभी भी मैरिज जो होती है, दिस इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल्स, दैट इवन इन अर्बन एरियाज लोग कास्ट देख के मैरिज करते हैं। ओके, मैट्रीमोनी साइट्स आर, यू नो द मैट्रीमोनी साइट्स जो हैं, कई बार आप देखते होंगे कि वो लाइक कम्युनिटी के नाम पे ही, कास्ट के नाम पे ही मैट्रिमोनी साइट्स हैं। ओके, सो दीज आर द थिंग्स दैट यू शुड सी एंड थिंक अबाउट। ओके, ऐसा दिमाग आपको वहाँ एग्जाम में चलाना पड़ेगा, तभी आपको ऐसी चीजें आएंगी, बिकॉज दिस इज नॉट समथिंग दैट यू कुड मग अप अर्लियर एंड जस्ट राइट देयर। ओके, ऐसा क्वेश्चन नहीं है, दिस इज अ क्वेश्चन दैट रिक्वायर्स एप्लीकेशन ऑफ माइंड। राइट, कंक्लूजन एंड वन मोर थिंग लेट मी टेल यू, कास्ट पे पहले भी सिमिलर टाइप के क्वेश्चन आ चुके हैं। सो प्रीवियस ईयर, अगेन देर इज अ प्रीवियस ईयर लिंक हियर, प्रीवियस ईयर लिंक हियर, एंड द इलेबोरेशन एग्जांपल्स आर फ्रॉम करंट अफेयर्स। ओके, सो कंक्लूजन, कास्ट सिस्टम स्टिल एग्जिस्ट एंड मैनिफेस्ट इट सेल्फ इन वेरियस फॉर्म्स। राइट, अभी भी मैनुअल स्कैवेंजिंग हमने, ऑल्दो इट हैज बीन अबॉलिश्ड, बट स्टिल देर इज
to some extent manual scavenging. You know, and even today it is a political identity marker. Social से political identity. पहले social और economic identity का marker था, अब एक political identity का भी marker हो गया है, right? So this is what you should have written in this question. Next, right? Next question again, current affairs. COVID-19. Okay, COVID-19 बड़ा ही था and it was quite expected. So now COVID-19 pandemic accelerated class inequalities. Class, okay. Between rich and poor, okay, and poverty, okay. So I think this is quite simple and straightforward. Agar aapne current affairs during the time of COVID, during the time of, you know, it asks you to comment, during the time of lockdown due to COVID, lockdown due to, you know, COVID, जब कोविड के कारण लॉकडाउन हुआ था, अगर आपने उस टाइम करंट अफेयर्स फॉलो किया होगा तो आप सर्टेनली देख सकते हैं कि जो पूरा सेक्शंस ऑफ सोसाइटी थे दे हैड सफर्ड द मोस्ट. ओके, COVID-19 एंड इट्स इम्पैक्ट, बेसिकली यहाँ लॉकडाउन के बारे में भी बताना आप. ओके, डू राइट अबाउट लॉकडाउन हियर, राइट. फिर बताना कि हाउ इट हैज एक्सेलरेटेड क्लास इनइक्वालिटीज एंड पॉवर्टीज, हाउ इट हैज एक्सेलरेटेड क्लास इनइक्वालिटीज एंड पॉवर्टीज. यू नो, इट लेड टू अनएम्प्लॉयमेंट, एक्सेस टू हेल्थ एंड एजुकेशन इट वॉज डिस्टरप्टेड. ओके, एजुकेशन और हेल्थ डिस्टर्ब्ड हो गया. ओके, अगेन माइग्रेंट क्राइसिस वॉज द बिगेस्ट थिंग दैट वी सॉ, इट लीड टू शटिंग डाउन ऑफ मेनी स्मॉल बिजनेसेस, स्ट्रीट वेंडर्स एंड ऑल. एंड इसके अलावा और भी बहुत पॉइंट्स आप लिख सकते हो सोच के, यू नो, यू जस्ट हैव टू थिंक इन दिस लाइन. ओके, नेक्स्ट, यू नो, गवर्नमेंट हैज टेकन कॉग्निशन, गवर्नमेंट ने ये चीज, यू नो, इट्स नॉट लाइक गवर्नमेंट नेग्लेक्टेड इट. ऑल द सुप्रीम कोर्ट को भी लाइक, यू नो, इंटरवीन करना पड़ा माइग्रेंट क्राइसिस में. इट हैज टू, यू नो, इट हैज टू, यू नो, कम अप इन द माइग्रेंट क्राइसिस, बट स्टिल गवर्नमेंट सॉ दैट दिस इज अ क्राइसिस एंड दिस इज हैपनिंग, सो इट इनिशिएटेड वेरियस मेजर्स. ओके, लाइक PM गरीब कल्याण योजना. ओके, अंडर इट what इट डिड, यू नो, इट वॉज द फर्स्ट स्टिमुलस पैकेज इन द लॉकडाउन. वॉट इट डिड वॉज फ्री रेशंस. ओके, फ्री फूड. ओके, फ्री फूड और रेशंस टू ऑल, वन नेशन वन कार्ड. ओके, एंड ऑल दीज, लाइक दिस वॉज लेटर, इट वॉज अंडर आत्मनिर्भर भारत अभियान, बट इन अंडर हेयर बहुत सारी चीज़ें की. एंड ऑल्सो देर वॉज, यू नो, फॉर माइग्रेंट्स, लाइक आप इसको तो बिल्कुल मैंशन करना, माइग्रेंट्स के लिए क्या था इधर, यू नो, PM गरीब कल्याण, यू नो, गरीब रोजगार योजना, PM गरीब रोजगार योजना, देर वॉज अ रोजगार योजना वेयर फॉर, यू नो, माइग्रेंट्स हु वेंट बैक टू देयर होम स्टेट्स, लाइक 6 स्टेट्स में ये चलाया गया था, टू प्रोवाइड, यू नो, एम्प्लॉयमेंट, टू प्रोवाइड एम्प्लॉयमेंट टू दोज माइग्रेंट्स हु आर हिट बाय द, यू नो, कोविड क्राइसिस, बाय द लॉकडाउन ड्यू टू कोविड क्राइसिस. ओके, सो काफ़ी सिंपल क्वेश्चन था ये, एंड जिन्होंने पढ़ा होगा करंट अफेयर्स अच्छे से, जो एक थॉटफुल वे में पढ़ते होंगे चीज़ों को, वो बड़े आराम से इस क्वेश्चन को कर पाए होंगे. राइट, नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन सेज, डू यू एग्री, यू नो, नेक्स्ट क्वेश्चन सेज डू यू एग्री दैट रीजनलिज्म इन इंडिया अपीयर्स टू बी कॉन्सिक्वेंस ऑफ राइजिंग कल्चरल असर्टिवनेस, आर्ग्यू. आई थिंक इस पे सिमिलर क्वेश्चन रीजनलिज्म पे भी पहले क्वेश्चन आ रखा है. सो यू सी, सोसाइटी में देखिए थीम्स क्वाइट रिपीटेड है, एक करंट अफेयर्स का था, बट कास्ट या रीजनलिज्म पे हमेशा क्वेश्चन आता है. इससे पिछली बार भी रीजनलिज्म पे क्वेश्चन आया था. सो यू विल टेल व्हाट इज रीजनलिज्म, डिफाइन रीजनलिज्म, दैट इज फीलिंग ऑफ अटैचमेंट टू वंस रीजन बिकॉज ऑफ हैविंग अ कॉमन, यू नो, आइडेंटिटी, कल्चरल आइडेंटिटी और कॉमन इकोनॉमिक इंटरेस्ट. ओके, सो यू नो, लाइक इज इट राइजिंग ओनली ड्यू टू, यू नो, कल्चरल असर्टिवनेस? नो, कल्चरल, लाइक डेफिनेटली कल्चरल असर्टिवनेस, दैट इज लाइक लैंग्वेज, सबसे बड़ा मार्कर है रीजनलिज्म का, राइट. सबसे बड़ा मार्कर है रीजनलिज्म का लैंग्वेज. ओके, सो यू सी, लाइक यू कुड गिव एग्जाम्पल ऑफ बोडोलैंड, द डिमांड फॉर बोडोलैंड. ओके, और यू कुड लाइक सी द एग्जाम्पल, अदर एग्जाम्पल्स, राइट. काफ़ी और भी एग्जाम्पल्स हैं जो लैंग्वेज पे, जहाँ, यू नो, पीपल वॉन्ट देयर ओन, और यू नो, देर इज दिस मराठा स्पीकिंग पीपल, मराठी स्पीकिंग पीपल इन महाराष्ट्र, यू नो, महाराष्ट्रियन कल्चर, दैट इज देयर कल्चरल असर्टिवनेस. ओके, कल्चरल प्राइड इन महाराष्ट्रियन कल्चरल, यू नो, देर यू सी दैट देर हैज बीन वायलेंस अगेंस्ट पीपल फ्रॉम अदर स्टेट्स. ओके, दिस इज द रीजनलिज्म. ओके, देन दे लाइक अदर वे यू कैन सी द मैनिफेस्टेशन इज अदर फैक्टर्स आर ऑल्सो देयर. Only culture is not the only factor, that cultural assertiveness, definitely, you know, in regionalism, people think that their culture is being threatened by the outsiders, so they assert their culture. So cultural assertiveness is one reason. You could give the example of language like Bodoland, but
और यू नो इन दार्जिलिंग यू हैव हैड दैट थिंग, जब अभी इन दार्जिलिंग ऑल्सो देर वॉज सम इशू. ओके, सो अदर फैक्टर्स क्या हैं जो रीजनलिज्म ड्राइव करते हैं? इट इज सन्स ऑफ सॉइल पॉलिसी, कि लोगों को जॉब्स चाहिए, लोगों को एजुकेशन चाहिए, यू नो इकोनॉमिक एंड सोशल रिसोर्सेज, बेसिकली इकोनॉमिक फैक्टर्स. ओके, एंड सोशल फैक्टर्स तो ऑलरेडी बोल दिया है, एंड फियर ऑफ मार्जिनलाइजेशन, दिस इज अ पॉलिटिकल फैक्टर, कि कई बार लोग फियर करते हैं कि दे वुड बी यू नो मार्जिनलाइज्ड इन देयर ओन स्टेट. ये नॉर्थ ईस्ट में क्वाइट प्रिवेलेंट है, ये नॉर्थ ईस्ट में हम देखते हैं कि ये फियर रहता है. दैट्स वाई अगेंस्ट अगेंस्ट बांग्लादेशी माइग्रेंट्स, नॉर्थ ईस्ट में ये फियर रहता है अगेंस्ट लाइक बांग्लादेशी, यू नो बांग्लादेशी इलीगल इमिग्रेंट्स और अदर इमिग्रेंट्स. ओके, सो नॉर्थ ईस्ट में ये फियर रहता है कि दे वुड बी मार्जिनलाइज्ड. ओके, सो दे दिस इज पॉलिटिकल, दिस इज इकोनॉमिक फैक्टर्स. ओके, सो यू सी दैट रीजनलिज्म इन इंडिया, रीजनलिज्म इन इंडिया इज नॉट ओनली ड्यू टू सोशल फैक्टर, दैट इज कल्चरल असर्टिवनेस, बट इट हैज ऑल्सो इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल एस्पेक्ट्स. ओके, सो रीजनलिज्म इन इंडिया हैज सोशल पॉलिटिकल एंड इकोनॉमिक फैक्टर्स, यू नो, और सोशल पॉलिटिकल इकोनॉमिक कॉन्सिक्वेंसेस, राइट, इज अ रिजल्ट ऑफ दीज फैक्टर्स. ओके, राइट, सो लेट्स सी द नेक्स्ट क्वेश्चन. राइट, नेक्स्ट क्वेश्चन इज डाइवर्सिटी एंड प्लूरलिज्म इन इंडिया अंडर थ्रेट ड्यू टू ग्लोबलाइजेशन. ओके, यू सी ग्लोबलाइजेशन मीन्स इंटरचेंज ऑफ कल्चर, राइट, देर लाइक यू नो इट मीन्स ब्लरिंग ऑफ बाउंड्रीज बिटवीन नेशन स्टेट्स. ओके, सो वॉट इज हैपनिंग बिकॉज ऑफ ग्लोबलाइजेशन इज देर इज एक्सचेंज, बिकॉज ऑफ ग्लोबलाइजेशन देर इज एक्सचेंज ऑफ कल्चर. ओके, देर इज एक्सचेंज ऑफ कल्चर, थाट्स, आइडियाज, देर इज ओपननेस ऑफ इकोनॉमी, सो देर इज मच ऑफ इंटरेक्शन एंड इंटर एक्सचेंज बिटवीन वेरियस स्पीयर्स, बिटवीन वेरियस सोशल इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल स्पीयर्स बिकॉज ऑफ ग्लोबलाइजेशन. ओके, सो यू हैव टू डिफाइन ग्लोबलाइजेशन. ओके, वॉट ग्लोबलाइजेशन मीन्स, इट बेसिकली मीन्स इंटरेक्शन एंड इंटर एक्सचेंज ऑफ बेसिकली यू नो कल्चर इन वेरियस स्पीयर्स. सो इंटरेक्शन एंड एक्सचेंज इन वेरियस स्पीयर्स, बी इट कल्चर, बी इट सोशल स्पीयर, बी इट यू नो इकोनॉमिक स्पीयर, बी इट पॉलिटिकल स्पीयर. ओके, दैट्स वॉट इज ग्लोबलाइजेशन. नाउ इट सेज दैट यू हैव टू जस्टिफाई, एंड हाउ यू कुड जस्टिफाई, यू कुड यूज एग्जाम्पल्स, राइट, यू कुड यूज एग्जाम्पल्स और यू कुड इवन यूज व्यूज ऑफ सम फेमस पर्सन. ओके, अगेन हियर देर इज यू नो देर आर सम कॉन्सेप्ट ऑफ सोशोलॉजी, इट इज कॉल्ड ह्यूमनाइजेशन ऑफ कल्चर एंड देर इज ऑल्सो समथिंग कॉल्ड हेट्रोनाइजेशन ऑफ कल्चर. ओके, देर इज इंटरमिक्सिंग. सो वॉट इट इज सेड इज दैट यू नो देर इज वन व्यू दैट ड्यू टू ग्लोबलाइजेशन, सो दिस इज वन व्यू दैट ड्यू टू ग्लोबलाइजेशन यू नो वॉट इज हैपनिंग इज दैट ऑल द लोकल कल्चर इज बींग इरोडेड, लोकल कल्चर इज बींग इरोडेड, यू नो लोकल लैंग्वेजेस, फॉर एग्जाम्पल लोकल लैंग्वेजेस आर डाइंग ड्यू टू इंग्लिश, आर डाइंग ड्यू टू इंग्लिश, लोकल लैंग्वेजेस आर डाइंग ड्यू टू इंग्लिश. ओके, सो ड्यू टू इंग्लिश मैनी लोकल लैंग्वेजेस आर डाइंग, राइट, और यू कुड से दैट लोकल कस्टम्स एंड ट्रेडिशंस आर बींग यू नो ओवरवेल्म्ड बाई वेस्टर्न ट्रेडिशंस एंड कल्चर्स, राइट, आर बींग यू नो रिप्लेस्ड बाई वेस्टर्न ट्रेडिशन एंड कल्चर. दैट इज वॉट, सो वेन वी से वेस्टर्नाइजेशन दैट इज ब्लाइंड एपिंग ऑफ द वेस्ट, देन इन दैट सेंस यू कुड से दैट यस ग्लोबलाइजेशन इज थ्रेट टू डाइवर्सिटी एंड प्लूरलिज्म इन इंडिया. ओके, बट डू हाईलाइट यू नो विथ एग्जाम्पल्स दैट हाउ इट इज अ थ्रेट. ओके, बिकॉज इफ वेस्टर्नाइजेशन वॉट वी आर सीइंग इज लॉट ऑफ अवर ट्रेडिशनल थिंग्स, लॉट ऑफ अवर कल्चरल थिंग्स यू नो आर बींग एलिमिनेटेड, एवरीबडी इज अडॉप्टिंग सिमिलर काइंड्स ऑफ यू नो Western things, Western culture. Okay, next, but then you have to also write about the other side of the other side of, or the other perspective that yes, though globalization there is also heteronization, there is also intermixing of culture, there is also cosmopolitan culture, that is where multiple kinds of culture exist together. Okay, इसका example क्या है? इसका example आप food के domain में दे सकते हो. Food के domain में क्या दोगे आप? Food के domain में आप दोगे पिज्जा डोसा. ओके, आजकल बड़ा मतलब यू नो देर इज लॉट ऑफ वेरिएशंस. ओके, पिज्जा डोसा और चीज समोसा. ओके, दीज आर वेरी जेनरिक. आप इससे अच्छे एग्जांपल सोच के दे सकते हो, बट सर्टेनली आई एम जस्ट गिविंग दीज एग्जांपल्स टू टेल यू दैट नो ग्लोबलाइजेशन इज इनफैक्ट इंक्रीजिंग डाइवर्सिटी, बिकॉज वेन अदर कल्चर्स मिक्स इट गिव्स राइज टू न्यू कल्चर. ओके,
So it is increasing diversity and pluralism. Okay, people are not losing their identities. Basically, they are changing and adapting. They are developing new identities. Okay, so here, if I would have to justify, I would go on the other side. I would say that globalization per se, that is globalization itself, is not a threat to diversity and pluralism, but the way it is adopted, it is a threat. You know, if it is imposed, if globalization is imposed on someone, right, then it could be a threat. Like in 1991, it was imposed on us. Okay, so similarly, or if it is blindly followed, you know, aping the West, then it is a threat to our diversity and pluralism. Okay, this was the 18th question. Let's see the next question. The next question is, customs and traditions suppress reason leading to obscurantism. Okay, basically, you know, this is a question that requires you to think and apply your mind, right? This is not something that you could, you know, you could just answer this by your general understanding of the things. Okay, you know, so you see, there are many customs and traditions which suppress the reason. Okay, that leads to obscurantism. Okay, obscurantism means hiding the truth or not bringing the full facts in front of the people. Okay, and it says that this happens because of customs and traditions. So first of all, you should start with the importance of what is the importance of customs and tradition, or how they come up, right? Then embody using an example. Like you have to, you know, if you have to, you say that you agree, then using an example, you show, yes, customs and tradition lead to obscurantism. Okay, for example, there has been recently a controversy over COVID vaccine because it contains pork gelatin, and there were some Muslim groups that were against it. Okay, so this is how, you know, some custom or tradition is leading to obscurantism. Okay, next is, but you would say that no, not all. See, this is a nuanced and balanced view that you should give in your answers like this. You know, you could not say, yes, I agree with this because of this reasons. That is a very one-sided view. That is a very, you know, narrow view. Like, you should have a broad perspective. You should see everything. But you can say that not all customs and traditions suppress reason, first of all. And customs and traditions are also part of right to religion of an individual, right? So you could, in conclusion, say that there should be constitutional morality, right? And human reason should prevail over unhealthy customs and tradition. So it is not necessary that every custom and tradition is suppressing the reason and is leading to obscurantism. Okay, right? So what is to be done is that whenever there are certain unhealthy customs and traditions, that have to be replaced. Like, let me give you an example. Triple talaq. Right? What did Supreme Court do? Supreme Court used the constitutional morality and human reason to strike it down. Okay? Triple talaq. Or Sabrimala ka, for instance. Although it is sub judice, but still you could say, on the grounds of, you know, reason, that woman equality, gender equality, Sabrimala case against Supreme Court is striking down the restriction of women. Okay, so let's see the next question. Okay, this is fairly simple one. Okay, very straightforward. How have digital initiatives in India contributed to functioning of education system in the country? So in our country, we have taken many digital initiatives. Okay, and for education, like in general, already we have taken many digital initiatives, with the like Digital India being umbrella one. Okay, Digital India with its various pillars and stuff. And specific to education also, we have taken various measures. And it says, elaborate your answer. So, jo bhi aap answer karenge ki, yes, it has contributed positively, it has helped, you have to elaborate it using examples of digital initiatives. Okay, so you could introduce with COVID-19 caused education to go digital totally. Okay, this can be one introduction, because now schools, classes, everything is happening digitally, right? Now you can again then directly come to what are the various government measures. BharatNet. Okay, BharatNet provide connectivity to each gram panchayat, so it delivers connectivity to rural areas, and it helps in tele-education. Okay, then you have National Knowledge Network. It is helping in connecting various higher education institutions, and therefore it is helping in, you know, like promoting research in higher education. Okay, this is what, for promoting
research in higher education. Okay. Next is your Swayam portal. Okay. Next is your Swayam portal. So what is Swayam portal about? See, Swayam portal is quite simple. It is a MOOCs portal, massively open online courses, right? Anybody could go on this portal and, you know, do a course. Okay. Digital India, again, already I have told you, and there can be many other measures that you could write here. You could write here, you know, digital literacy mission. Okay. That is earlier one. Now it is called PMG Disha mission. Okay. For digital literacy, right? And then there are, you know, many other measures that you could write here. And conclusion, you could say it would help in attaining SDG 4 quality education for all. So digital initiatives are basically taking us towards, you know, fulfilling the SDG 4, that is quality education for all. Let's come to the third section, art and culture. Okay, art and culture. It has been quite a dicey one, right? This section, like I would say, in my analysis, it is the toughest one. Okay, it is the toughest one. And what it is, what is a surprise here is that is bar 50 marks ka aaya hai, right? Four questions. Normally, two questions aate hain at max. Two questions aate hain. Is bar four questions aaya hai 50 marks ka. Two 10 marker, two 15 marker. Okay, let's see the questions. Now, the question is, the rock cut architecture represents. The first question, let's see what is. It is about rock cut architecture. It says the rock cut architecture represents one of the most important sources of our knowledge of early Indian art and history. So it says that rock cut architecture is one of the most important sources of knowledge of early Indian art and history. You have to discuss means you have to, you know, tell about, first you tell about the rock cut architecture. Ki, what is rock cut architecture? You know, give an example that Barabudur, that is the oldest rock cut architecture cave, or some other example you could give that you could think of. Okay. Then you show, you tell how the rock cut architecture gave us knowledge about early Indian art and history. How will you tell this? You will say that there were Ajanta caves, there was significant Buddhist art there. There are mural paintings having Jatak tales. So all these, you know, mural paintings having Jatak tales, that's the Indian art, okay, in the rock cut architecture. That's the Indian art in rock cut architecture, okay. Apart from this, you could also tell that how, what it tells about us about history, that it tells about, you know, religion kya tha us time pe. It tells about religion at that time, ki kaun sa religion prevalent tha. Jaise rock cut architecture, Cholas ne kya banaya, Cholas ne like Mahabalipuram, okay, Mahabalipuram, right, Cholas made Mahabalipuram, right, Cholas made Mahabalipuram, okay. So rock cut architecture, like unka bhi rathas tha, five rathas that they made, not Cholas, I am very sorry, it was Pallavas here, okay, it was Pallavas, not Cholas, you know, like Pallavas, you know, they also made rock cut architecture. So aise aap different examples le sakte hain. Ajanta caves Buddhist ka ho gaya. Gupta period mein bhi caves thi. Gupta period mein kaun si caves thi, you know, there was Dashavatar temple, right? Dashavatar temple to tha, right? And there were many caves during Gupta period also created, okay. Baki, then you could also tell that these caves were used as shrines, you know, shrines, that is chats and residents, viharas, for Buddhist monks, right? And they were commissioned by wealthy traders, you know. Badami caves, again a Hindu temple, therefore it tells us that ki kaun sa religion prevalent tha us time pe. Okay, so this is how you could take up examples, right? Is tarike se aap examples le lekar aap show karte ki yes, how it is telling us about Indian art and history. In fact, आप इसको दो एस्पेक्ट्स में ब्रेक कर सकते थे, आर्ट और हिस्ट्री के एस्पेक्ट में, और एग्जांपल लेके बता सकते थे. दैट वुड कुड बी बेटर वे टू डू इट. ओके, इसके अलावा, बट कंक्लूजन क्या बोलोगे, न्यूमिसमेटिक्स दैट इज कॉइंस, लिटरेचर, स्कल्पचर, गांधारा और मथुरा आर्ट, गांधारा एंड मथुरा आर्ट अलॉन्ग विथ रॉक कट आर्किटेक्चर, और रॉक कट आर्किटेक्चर अलॉन्ग विथ दीज थिंग्स इज इंपॉर्टेंट सोर्स फॉर नॉलेज ऑफ आर्ट एंड हिस्ट्री. ओके, लेट्स सी द नेक्स्ट क्वेश्चन. Next question, again fairly simple one. Pal period is simple one but difficult because इसको कोई पढ़ता नहीं है. Difficult because कोई पढ़ता नहीं है इसको. एक बार Wikipedia पे पढ़ लोगे तो बहुत ही simple question है. You know, enumerate करना है आपको वो भी.
सो पाल पीरियड इज मोस्ट सिग्निफिकेंट फेज इन हिस्ट्री ऑफ बुद्धिज्म इन इंडिया, कि वाई इज पाल पीरियड मोस्ट सिग्निफिकेंट, ये आपको दिखाना होगा. सो इंट्रोड्यूस्ड बाय पाल डायनेस्टी, कि कब थी ये डायनेस्टी, 8 टू 12 सेंचुरी एडी, और कहाँ थी ये डायनेस्टी, बंगाल एंड बिहार. राइट नाउ सीधा शुरू में ही लिखो कि देवर पैट्रॉन्स ऑफ महायान बुद्धिज्म. राइट, पालक यू नो पालाज वर पैट्रॉन्स ऑफ महायान बुद्धिज्म सिंस देवर. सो आप देख सकते हो कि उनके जो किंग्स रहे हैं उन्होंने बुद्धिज्म को प्रमोट करने के लिए, बुद्धिज्म के लिए बहुत ही काम किया है. राइट, जैसे महिपाल वन था, ही कंस्ट्रक्टेड एंड रिपेयर्ड मैनी बुद्धिस्ट सेक्रेट स्ट्रक्चर्स, दैट इज स्तूपास. कई स्तूपास रिपेयर करवाए और कंस्ट्रक्ट किए महिपाल वन ने. राइट, बुद्धिस्ट तांत्रिक वर्क्स वर ऑथर्ड एंड ट्रांसलेटेड ड्यूरिंग दिस पीरियड. ओके, दे बिल्ट मोनेस्ट्रीज फॉर बुद्धिस्ट. ओके, पाल किंग्स बिल्ट मैनी मोनेस्ट्रीज फॉर बुद्धिस्ट. राइट, लाइक सोमपुरा महाविहार, इट इज अ मोनेस्ट्री फॉर बुद्धिस्ट एंड इट इज अ वर्ल्ड हेरिटेज साइट इन बांग्लादेश. ओके, ये सब मुझे कहाँ से मिला, ये सब मुझे मिला विकिपीडिया से. राइट, अब आप सोचेंगे क्या इतना ईजी था? नो, ये कोई नॉर्मली कोई नहीं पढ़ेगा विकिपीडिया पे जाके. ओके, सो ये इजी क्वेश्चन नहीं था बिकॉज ये नॉर्मली कोई पढ़ता नहीं है. बट हाँ, कोई कॉमन सेंस लगाए तो ये वाला पॉइंट तो जरूर लिख सकता था, विक्रमशिला एंड नालंदा बुद्धिस्ट सेंटर्स ऑफ लर्निंग. विक्रमशिला एंड नालंदा बुद्धिस्ट सेंटर्स ऑफ लर्निंग एंड मैनी नोटेड स्कॉलर्स वर पेट्रोनाइज लाइक अतीशा तिलोपा. एंड इसमें कंक्लूजन की जरूरत है? नहीं, बिकॉज इट्स एन्यूमरेट. ओके, कई जगह कंक्लूजन की जरूरत नहीं भी होती है. राइट, नेक्स्ट, इंडियन फिलोसफी ट्रेडिशन हैव प्लेड सिग्निफिकेंट रोल इन कंसीविंग एंड शेपिंग द मोन्यूमेंट्स एंड देयर आर्ट इन इंडिया. अगेन दिस इज समथिंग विच इंटरलिंक्स टू थिंग्स. इट इंटरलिंक्स फिलोसफी एंड ट्रेडिशन विद हाउ इट हैज इन्फ्लुएंस्ड मोन्यूमेंट्स एंड द आर्ट ऑन द मोन्यूमेंट्स. ओके, यू हैव टू डिस्कस दिस थिंग. इट्स क्वाइट सिंपल अगर आप अपना दिमाग लगाएं तो, यू नो, बट स्टिल एग्जाम्पल सोचना और वैसा लिखना बड़ा ही मुश्किल रहेगा. बट स्टिल अगर कोई अपना दिमाग लगाए तो इसको कर सकता है. ओके, सो फर्स्ट यू हैव टू टेल अबाउट रिचनेस ऑफ इंडियन फिलोसफी एंड ट्रेडिशन. लाइक हिंदू फिलोसफी है, बुद्धिस्ट फिलोसफी है, जैन फिलोसफी है. ओके, सो नाउ यू हैव टू शो हाउ फिलोसफी एंड ट्रेडिशन हैव प्लेड अ रोल. ओके, हाउ विल यू शो? यू विल शो यूजिंग एग्जाम्पल्स. You will show using examples how philosophy and tradition have influenced the monuments. Okay, you could say Ajanta, जिसे Ajanta है, they are masterpieces of Buddhist religious art. Buddhist religious art, उसमें चैत्य विहार, there are paintings on Jatak stories, right? There are many, you know, sculptures of Buddhist deities. So what is this? Buddhist philosophy and tradition are influencing the you know are influencing the monument or the rock cut architecture cave of Ajanta. Okay, I hope you could relate it. Let's see the Mathura school of art. What were there? Images of Hindu deities, Jain deities and Buddhist deities. Again, what? Philosophy and tradition. Like Mathura mein Shiv Vishnu inki, like Shiva and Vishnu inki, in Hindu deities ki images banayi jati thi. So what is this? Philosophy and tradition influencing the, you know, art. Influencing art. Okay, next, Nagara, Dravida, Vesara style of temple architecture. I hope you can elaborate it. You can give example of Sun temple dedicated to Sun god. Okay, dedicated to Sun god, also called Black Pagoda. Okay, Black Pagoda. So ye sab points I think aap is sab ko understand karte ho. Paintings, Kalighat paintings in West Bengal. It is on goddess Durga, right? Goddess Durga. Similarly, Rajasthan paintings usually. There are various sub-school but mostly involve Lord Krishna, right? Lord Krishna mostly involve Lord Krishna and, you know, his stories. Okay, so I think samajh gaye hoge ki how philosophy and tradition has shaped the monuments and the art. You know, you have to discuss this thing. To aapko ye thoda elaborate karna hoga ki kaise Rajasthani painting mein kaun si Rajasthani painting, you know, लॉर्ड कृष्णा के बारे में बताती है. सो इट दिस काइंड ऑफ क्वेश्चन अगर ऑन द फेस ऑफ इट लुक्स इजियर, बट अगर आपको अच्छे मार्क्स चाहिए तो इसमें थोड़ी डीपर नॉलेज चाहिए. डीपर नॉलेज चाहिए आर्ट एंड कल्चर की. ओके, डीपर नॉलेज. सो लेट्स मूव ऑन. इन कंक्लूजन यू कैन से इंडीड इट हैज इन्फ्लुएंस्ड. ओके, लेट्स मूव ऑन. द नेक्स्ट क्वेश्चन इज ऑन पर्शियन लिटरेचर एंड पर्शियन लिटरेरी सोर्सेज. अगेन समथिंग विच रिक्वायर्स एग्जाम्पल्स. आर्ट एंड कल्चर में आप जो भी पढ़ें, जैसे प्रिलिम्स के लिए पढ़ते हैं, तो उनको एग्जांपल्स को दिमाग में रखिए. राइट, दे वुड बी वेरी यूजफुल इन मेंस. सो इट सेज
Persian literary sources of medieval India reflect the spirit of the age. What was the spirit of the age of medieval India? You know, what was the spirit? It was glorification of kings and their conquest. There were many kings jo ladte rehte the, and it was all about their conquest, okay? It was all about capturing more and more areas, right? So, aap introduction mein likh sakte the ki like Persian kaise aayi, Persian introduced kab hui, right? And it was court language. So, Persian ke baare mein thoda bahut likh sakte hai ki kab India mein aayi. On the coming of Mughal, Turks and Mongols, it came in India and then it became an Indian court language. Then, you know, what was the this spirit of that age? That most of the literature glorified kings and their conquest. And in fact, ab main jaise aapko example dunga, say there was Tughlaqnama, okay? This was by Amir Khusro. See, Amir Khusro is one of the key prominent, you know, most prominent, you know, writers in Persian literature, right? So that's why I'm using his examples, okay? See, Amir Khusro wrote Tughlaqnama, and it was about rise of Ghiyasuddin Tughlaq to the power. So what? This is the spirit of the age, that is, there is conflict, you know, there is conflict for power, okay? There is contest for power. Then there is next, Mifatul Futu. It is about military success of Jalaluddin Khilji. Again, the spirit of that age. Okay. Next is Ain-e-Akbari and Akbarnama. That's at the time of Akbar. Court chronicles like Tabat-e-Nasri telling about the court and the things that happens in the court. Also, but all the things at that age were not about conflict and, you know, conquest. But some things like Sufi literature was also there in Persian. So it was also about, you know, literary development. Okay. It was also about, you know, art, culture, you know, peace. And right. All these things were also there. Art, culture, peace, focus on other good things. Okay. Next, how will you conclude? You know, Persian was central language of medieval period. And all important developments during the period were in Persian literary sources. That's how you could conclude it. Okay. Next, let's see. This is the last section. Okay. It's on the modern history. I am sorry here. This is for the geography. It has only 25 marks and 2 questions, 1 10 marker and 1 15 marker. Okay. This is the breakup. Okay. 25 marker, 2 questions, 1 10 marker and 1 15 marker. Let's see. Okay. Let's see. What is the first question? Now, the questions in modern history has been fairly simple. Agar aapne spectrum padhi hogi, to aap bade aaram se inko answer kar sakte. Evaluate the policies of Lord Curzon and their long-term implications on the national movement. Okay. Long-term implementation kya rahi. So introduction, tell about the viceroy ki is time mein wo viceroy raha tha, right? And he undertook various repressive policies. Let's see. And since you have to evaluate, aapko negative or positive aspect dono batana hai, okay? Say sabse bada kaam usne kya kaha, sabse badi policy uski kya thi jiske liye wo criticize kiya gaya tha. It was partition of Bengal, and this partition gave impetus to freedom movement. Kaise, you know, it strengthened the extremist section. और जो मॉडरेट का बिलीफ था कि यस दी यू नो ब्रिटिश वांट टू डू गुड फॉर अस वाज शैटर्ड. ओके. सो दैट्स व्हाट इट वाज अबाउट, राइट? सो दैट्स हाउ. एंड फिर जब पार्टीशन हुआ देन यू नो देयर वाज स्वदेशी मूवमेंट, बॉयकॉट मूवमेंट, ऑल दिस गिव्स सिग्निफिकेंट इम्पेटस टू फ्रीडम मूवमेंट. बट इट वॉज ऑल्सो अ सीड ऑफ पार्टीशन बिकॉज यू नो ओरिजिनल इंटेंट कर्जन का यही था कि बिकॉज बंगाल वॉज बिकमिंग अ मेजर सेंटर ऑफ फ्रीडम मूवमेंट. सो दैट्स वाई ही थॉट अबाउट ब्रेकिंग इट ऑन द रिलीजियस एंड लिंग्विस्टिक लाइन्स. तो एक कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट करना चाहते थे शुरू से ही. वो लोग शुरू से ही ये डिवाइड एंड रूल पॉलिसी का पार्ट था. ओके. नेक्स्ट, इंडियन यूनिवर्सिटीज एक्ट. अगेन इट वॉज टू चेक पॉलिटिकल एक्टिविटीज, बट अगेन इसका काफ़ी अपोजिशन हुआ. स्टूडेंट्स रिजाइन फ्रॉम यूनिवर्सिटीज एंड सो ऑन सो फोर्थ. देन कलकत्ता कोऑपरेशन एक्ट. Reduce the number of elected. So you see, most of his activities were directed against Indians, directed against the national movement, directed against giving Indians, you know, self-rule. Okay. Like giving Indians, you know, the ability to rule themselves. Okay. So, but ultimately what happened was the effect was reverse. Okay. What happened? Extremist section was strengthened. Moderate section was weakened. Okay. Because of the boycott. You know, because of the partition,
and the national movement ultimately took turns more active methods. Okay, after partition, there were more active methods, boycott, Swadeshi, then came non-cooperation, okay, then came the Quit India, okay, Quit India, right? It made Indians realize that British will only rule for their own interest. He made Indians, you know, his policies made Indians realize that British will rule only for their own interest. Conclusion, you know, what Lord Curzon sought was to weaken the national movement, right? Through his reactionary policies. Jaise partition karke wo weaken karna chahta. But instead, it became a catalyst for the national movement, right? Aisa aap conclusion de sakte ho. Next, question 13, again, ये प्रीवियस ईयर से रिपीटेड है, रिपीटेड फ्रॉम प्रीवियस ईयर. 2017 में इसी पे आया था, 2017 में सिमिलर थीम पे आया था. ओके, आप देख सकते हो जाके. सो सिंस द डिकेड ऑफ 1920 नेशनल मूवमेंट अक्वायर्ड वेरियस आइडियोलॉजिकल स्ट्रेंथ्स एंड देयर बाय एक्सपेंडेड इट्स सोशल बेस. सो बेसिकली 1920s के बाद क्या हुआ था, ऐसा कुछ इंपॉर्टेंट हुआ था. इनफैक्ट 1920s इज कॉल्ड वन ऑफ द टर्निंग पॉइंट्स इन द नेशनल मूवमेंट. ओके, सो व्हाट वाज इट? So what was the new forces? आप introduce करोगे, what were those new forces? Those were socialism and communist influence, Russian revolution का influence and also the Gandhian philosophy का influence. Okay, don't forget that at that time Gandhian philosophy was also gaining traction. Okay, of non-violence and satyagraha. And in fact, it was the one thing that was key in bringing masses. Okay, so what all these things did together was, it brought in, you know, it led to trade unionism. So workers also became part of the national movement, because now the national movement, as Jawaharlal Nehru had said, was not only against the British rule but also exploitative industrial class or capitalist class. There were peasant agitations. Peasant also became more aware and realized their rights. You know, isme example aap de sakte hain Swami Sahajanand Saraswati, right, who was influenced by socialist idea. He then organized the peasant movements. Then HRSA by Bhagat Singh, okay, the revamp of Hindustan Republican Association to Hindustan Republican Socialist Association. And then their shift to masses, okay, participation by youth because of influence of this philosophy, socialist and communist philosophy, as well as influence of Nehru and Subhash Chandra Bose. Because these two leaders were influenced by this philosophy, socialist philosophy, okay? So, and they in turn influenced the youth, okay? Next, there were many caste movements also to assert themselves, okay? Like justice movement in Madras, okay? Masses mein participation kiya, women also started participating, and youth, as I already told you. So, aap dekh sakte ki 1920 mein kai forces hai. Basically, question ka theme yehi tha that many new ideological strands came, and these new ideological strands were socialism, communism, Russian revolution and Gandhian philosophy of non-violence and satyagraha. Aur ye sab aaye to isse kya kaise social base expand hua, ki basically, for instance, take case of Gandhian philosophy of non-violence. Because of that masses could participate, it gave masses a tool to participate, okay? Satyagraha gave masses a way to participate in the national movement. Conclusion, 1920 was a watershed, brought masses in the freedom struggle, right? So that's it for the analysis. Let's see the last thing that you should know, that is, what should you do? Ab aapne itna pura analysis dekh liya, to ab aapko kya karna chahiye? Okay, is analysis se ultimately aim is analysis ka fulfill jab hi hoga, jab aap kuch isse take away le jayenge, apni preparation mein implement karenge usko. Okay, तो पहला चीज, स्टिक टू द सिलेबस एंड प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस. प्लीज 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 डू स्टिक टू देम, राइट? दे आर लाइक लिटरली योर गाइड, ओके? और आपने तो अभी देखा, मैंने बताया कि कितने क्वेश्चन प्रीवियस ईयर की थीम्स पे रिपीट हुए हैं. सो डू स्टिक टू सिलेबस एंड प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस. नेक्स्ट, जो भी स्टैटिक टॉपिक्स हैं उन पे अपने नोट्स होने चाहिए आपके पास, ओके? अपने नोट्स होने चाहिए, राइट? क्रिस्प एंड कंसाइज नोट्स होने चाहिए, जिससे आप पॉइंट्स डायरेक्टली यहां पर आंसर में लिख पाए इजीली, जिसको आप इजीली रिवाइज कर पाए एंड टाइम में. नेक्स्ट, एग्जांपल्स, करंट अफेयर्स आप जब भी पढ़ते हैं, आप प्लीज एंड प्लीज वहां हमेशा एग्जांपल्स के लिए देखते रहिए. कीप इन माइंड कि यू नीड एन एग्जांपल फॉर वन और अनदर टॉपिक इन योर सिलेबस, ओके? प्रैक्टिस आंसर राइटिंग, प्लीज डू प्रैक्टिस इट, बिकॉज ये क्वेश्चंस, कई क्वेश्चंस जो देखने में स्ट्रेट फॉरवर्ड लग रहे हैं, इवन
बट विदाउट प्रैक्टिसिंग आंसर राइटिंग आपको उसका आंसर लिखना बहुत ही मुश्किल भी हो सकता है. ओके, नेक्स्ट, यू नो, लास्टली आई वुड से रिवाइज योर नोट्स मल्टीपल टाइम्स. बहुत वाइड मत करना, बहुत सारा मत, इंस्टेड यू नो लिमिट योर सेल्फ, थोड़ा पढ़ना बट अच्छे से पढ़ना, राइट? दैट्स माई एडवाइस. ओके, नेक्स्ट, दिस इज द एंड ऑफ द यू नो द सेशन एंड आई होप इट वॉज हेल्पफुल टू यू. डू लाइक एंड सब्सक्राइब प्रेप IAS फॉर more such sessions and analysis of other GS mains 2020 papers. Thank you very much.